वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाज चैनल। बहुत तेज है, मैं बता रही हूँ, बोल नहीं नहीं बहुत तेज है ये। मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ पे, वो हमारा घर है और ये अंजुले में बहुत तेज हो गई है, मैं बहुत तेज हो गई है। रुक, मैं डोली लाती हूँ, मैं डंडे मारूंगी तुझे, डोली ना ला। अभी मुझे कह रही थी लग डोली में बैठो, पागल ना हो तो। फटू ये देखो कितना ऊंचा जा रहा है, कहते भाई शीशा ऊपर कर दे, हवा आ रही है। अम्मा को दिखा दो, वो देखो अम्मा, ये सही है, ये बेहतरीन हो गया है, बेहतरीन हो गया। अम्मा अगर मैं वापस ना आई तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। हाय, वालेकुम अस्सलाम। ओए होए होए अल्लाह, तनु अल्लाह खूब खुदाया, मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। ये देखें रोंदल, ये रोने लग जाती है इसकी वजह से, आहिस्ता चलाया उसने बदतमीज औरत। इतना मजा आ रहा था अम्मा, ओहो इतनी को कोई ये फट्टू औरत है ना, यकीन करो। क्या हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ। ये क्या तुमने हाथ से पैरल व्हील चलाया? नहीं वो मैंने इतनी जोर से वो पकड़ा हुआ। डरते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा डरते हैं। बदतमीज, इसने चीखे मारी के मार्केट में, मुझे डराया था कसम से। कहता है मैं शीशा जरा ऊपर कर लूं, अगली दफा मैंने विंडो सीट पर ही बैठना। यार कौन है ये लोग, यार कहां से आते हैं ये लोग। खैर क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खुश है, बेहतरीन है। अभी हम उठे थे और हमारे घर के सामने लगा हुआ था झूले, ठीक है। तो हमने बाबा से ट्राई, हम उनको देते हैं कि हाँ। मतलब कि ना एमी को मसला ना हो तो हम चेक हाँ, करते हाँ। तो अम्मा ने हमें कहा कि आओ पुत्रों, हाँ। तो झूला तो आगे ले आओ। अब हमें पता चल गया कि बिल्कुल ठीक है। मजा आया ना, कितना मजा आया हाँ। आपको देख, अब मैं तो आपको भी गई थी वैसे आज, मगर चले कोई बात नहीं, नहीं मैं वैसे नहीं बैठती, मैं कभी बैठती होती थी कभी बैठती। एक दफा मुझे ना इन्होंने कहा तो मैं इतने सुकून से बैठी, यही जो आसमानी झूला जो भी हाँ, हाँ। आप कहते हाँ। तो मैं उतरी तो मुझे 102 बुखार, वो एक दिमाग में ना थोड़ा सा डर। खैर अम्मा बहुत मजा आया, इस बदतमीज की चीखे सुन के उसने स्लो कर दिया, नहीं तो इतना मजे का तेज झूला चला रहा था। मैं तो कुछ भी नहीं किया, हालांकि मेरे पास क्लिप्स है, मैं आपको दिखाती हूँ, एडिट करूंगी और मैं नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी, मैं खुद एडिट करूंगी ये क्लिप, टेंशन नहीं लेनी आपने। नहीं मैं नहीं डालूंगी यार, मैं हाथ मुंह धोऊं जरा, मैं उठते साथ बैठ चली गई थी, मैं हाथ मुंह धोऊं फिर मिलती हूँ आपसे। फ्यू इंचेस लेटर। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहा शहा के बीबा बच्चा बन के बाल ड्राई करके आपकी बहन आपके सामने हाजिर हो गई है। अभी अम्मा बाबा गए हैं बाहर, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपसे कल के व्लॉग में ये मुनाजरा किया था कि हम आपको एक सरप्राइज अम्मा बाबा के साथ देंगे, तो वो सरप्राइज कुछ ऐसे है कि जिसके सामान मैंने मंगवा लिया है। रेड कलर का कपड़ा है एक बड़ा सा, जो कि रजबी ने इस्तेमाल किया था, हमने वही मंगवा लिया था उनसे, और बलून शलून्स हैं। तो अभी ये जो लड़का बैठा हुआ है ना, ये उठ नहीं रहा, तो मेरे साथ बलून्स फुलाएगा ये।
हम लोग बलून्स फुलाएंगे और फिर आपको भी दिखाएंगे कि वो सरप्राइज क्या था और अम्मा बाबा को भी दिखाएंगे। तो अशद और जवाद जो हैं वो गए हुए हैं अम्मा बाबा को लेकर बाहर, हम अभी डेकोरेट करेंगे सारी चीज जो मैंने आपको भी दिखानी है और फिर वो करके मैं आपको उसकी सारी स्टोरी बताऊंगी कि वो सरप्राइज कैसे है और मतलब क्या चीज है, कैसे हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो खुश हों, तो वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताती हूँ। बस मैं तब तक बलून्स फुला लूँ। बस गजल ये क्या कर रही हो, इतनी तो फूंक नहीं है तुम्हारे अंदर? सारी फूंक मैंने उनमें भर दे रही आज। किन में? बलून्स में। क्यों फुला क्यों रही हो बलून्स, फुला क्यों रही हो? बताती हूँ सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? मुझे भी कुछ बताओ यार, मैं भी सरप्राइज मिलेगा, मैं भी सरप्राइज का हिस्सा बनना चाहती हूँ, प्लीज बताओ। सरप्राइज बताऊंगी ना अभी, इनके साथ ही बताऊंगी तुम्हें भी। और गुब्बारे फुला लूँ ना मैं, फिर करते हैं। और पहले तुम छटांग सी ऊपर से और तुम जो है ना बस ये फुला के मेरी भूख सारी इनमें चली जानी है, मैंने करना बाद में। तू क्या कर रहा है? मैं कोई नहीं बलून फुलाती फुलाती, सॉरी टू से। अच्छा जी, बलून शलून हमने सारे फुला लिए, ये देख लें, ठीक है, जितने हमसे फूले हमारी भूख खत्म हो गई, ठीक है। अब हम जाके ये लगाने लगे हैं जहां हमने लगाने हैं, तो मैं आपको वहां चल के दिखाती हूँ कि वो क्या चीज है, ठीक है, और हमने क्या सरप्राइज देना है आज हम आपको। आ जाए। अच्छा जी, जो चीज हमने तैयार करनी थी वो हमने कर ली है, ठीक है, और उसका सीन ये है कि अब जवाब लोग अभी नहीं आए तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि एक ऐसी चीज थी हमारे घर में जो कि सबको पता था कि ये जवाद के कोई दोस्त हैं जिनकी वो चीज है, ठीक है, और वो फिलहाल देकर गए हुए यूज के लिए और ये वो सारा कुछ, ठीक है। वो चीज अब किसी को नहीं पता कि हम लोगों ने, जवाद ने, अर्श भाई ने, हम लोगों ने अम्मा बाबा को गिफ्ट करनी थी और हम लोगों ने खरीद ली हुई है, और अम्मा बाबा को अभी तक यही पता है कि जी वो चीज जो है वो हमारी अपनी नहीं है, वो किसी की है, ठीक है, और वो वापस करनी है, ठीक है। तो ये छोटा सा सरप्राइज है, अभी अम्मा बाबा लोग आते हैं तो हम उनको दिखा के उनका रिएक्शन भी लेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे, और आप लोगों का भी रिएक्शन मैं कॉमेंट्स में पढ़ूंगी इंशाल्लाह। बस मैं अभी वो प्रॉपर चीजें मैंने तैयार ऑलमोस्ट कर ली है, थोड़ी सी रह गई है, मैं थक गई थी तो मैं आके बैठ गई हूँ, बट अभी हम जैसे ही वो तैयार करते हैं, अम्मा बाबा लोग आते हैं तो फिर उसको रिवील करेंगे आप लोगों के सामने भी और अम्मा बाबा के सामने भी, उनका रिएक्शन नोट करेंगे। आ गए आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा मेरा बनाया हुआ सरप्राइज? बहुत अभी तक मैंने दिखाया नहीं है वैसे। अम्मा बाबा गए हुए हैं ना, अभी किसी काम से गए हुए हैं, वो दोपहर के गए हुए हैं, तो वो कोई तैयारियां शहरी कर रहे हैं किसी चीज की, वो लोग उधर गए हुए हैं तो अभी नहीं आए, तो वो लोग जैसे ही निकले हैं तो फिर मैंने सारा पीछे से काम यू नो यस किया, इतनी कवर कर दी कि मैं भी भूल गया हूँ कि ये वही वाली भी है कि नहीं है। मैंने नहीं दिखाई अभी, पीछे थोड़ा सा पीछे होकर बात करें। अच्छा जी, ठीक है जी, अभी हम दिखा देते हैं इनको भी, मैं आपको ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ जो मैंने तैयार शेयर करके खड़ी कर दी है। ये चीज जायंट लग रही है पीछे से कसम से। ये हमने अम्मा बाबा के लिए जो तोहफा लिया है ये वो है जो मैंने रेडी करके तैयार करके टिशम टैश करके खड़ा किया हुआ है यहाँ पे, अभी अम्मा बाबा लोग आएंगे तो उनका रिएक्शन भी लेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, ज्यादा आप बताएं? मेरे ख्याल से खुश होंगे क्योंकि बाबा को बड़ी गाड़ी पसंद है और अम्मा को भी जो है ना ये जो मॉडल है ये बड़ा पसंद है, और मजे की बात ये है कि ये गजल को भी बड़ा पसंद है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अभी खैर आप लोगों को भी पता चलता है क्या है क्या नहीं है इसके अंडर, इस पर्दे के अंदर क्या है वो तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं नहीं उठा रही, अम्मा बाबा लोग आएंगे तो वो खुद इसको आकर रिवील करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे और फिर अम्मा बाबा का रिएक्शन भी लेते हैं और आपको भी लेते हैं। मुझे यही लगता है उन्होंने कहना है ऐ थे ओहे नहीं ओ जड़ी जवाद दोस्त दे के गए सन, है ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना? बताएंगे ना, हाँ, फिर असली कहानी बताएंगे ना, फिर असली स्टोरी यहाँ पे खड़ा करके सुना देंगे उनको असली स्टोरी, ठीक है जी। चले गुड हो गया, इंतजार करते हैं अम्मा बाबा के आने का, जैसे वो लोग आ जाते हैं तो फिर जो है वो इसको रिवील करते हैं और उनका रिएक्शन भी नोटिस करते हैं। अच्छा जी, अम्मा बाबा की कॉल आई है कि वो लोग सोसाइटी में एंटर हो गए हैं, ठीक है, और अभी बस कुछ ही देर तक वो लोग आने वाले हैं, तो मैंने कैमरा शैमरा अपना उठा लिया, ठीक है, और अभी जैसे वो लोग आते हैं तो एंट्री भी दिखाते हैं और उनका रिएक्शन भी नोटिस करते हैं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं, ठीक है। हम आगे ही खड़े हो जाते हैं और खड़े होके फिर हम उनके आंखों के ऊपर हाथ रख के फिर लेके आएंगे, ठीक है, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा। ये आ रहे हैं जी अम्मा बाबा लोग,
इधर साथ साथ खड़े हो जाओ और थोड़ा सा पीछे ही रोको उन्हें, ठीक है? अभी हम लोग इनके आंखों में हाथ रखेंगे और फिर इन्हें अंदर लेके चलेंगे। रुके 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 रुके। हेलो, हाँ, कहाँ गए थे आप लोग? अच्छा ठीक है, बाहर आए और अपने अपने दरवाजे के पास रुकिएगा, आपने आगे नहीं जाना और इधर उधर देखना भी नहीं। आज बाहर आज 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 आपकी एनिवर्सरी है ना, स्पेशल फील कराएंगे हम। आज मुझे तुम दोबारा वो फीलिंग ला रही हो। हाँ वही वाली। जब आज उधर आ जाए बाबा वाली साइड पे, इधर खड़े हो जाए। हाँ बस इधर रुक जाए। अम्मा बाबा की आंखों पे आप हाथ रखेंगे और अम्मा की आंखों पे मैं हाथ रखूंगी, ठीक है? हाँ हाँ नीचे आ जाए। चले अम्मा, आपने सीधा सीधा जाना, ठीक है? आपने ये पकड़ना प्लीज, ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंदर जा रहे हैं। हाँ तो घर ही दिखाने लगे, घर की सफाई हुई है। उनकी गाड़ी है ना ये? हाँ। ये आप दोनों की है, सही में कसम से, ये आप दोनों की है, ये स्पेशल आप लोगों की है, अंदर बैठ, ये इधर। पीछे आमना भी, आमना को भी मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे जहाज इतनी गाड़ियाँ पसंद बहुत है। ये आप लोगों के लिए रखे हैं ना, देखिए स्पेशल मोमी चाची के लिए पेड़ पेड़ से बैठे यार। आप हम आते हैं, आप एक चक्कर बाहर तो निकाले ना जरा, ऐसे प्यारी सी करके ऑन करें जरा इसको। एक और पुकाना उतर के। तुम्हारी भूंग जाया हो रही है, तुम्हारी भूंग जाया हो रही है, भूंग जाया हो रही है। मुझे मेरी शादी याद करवा दे पुत्र। हम आपकी रुख्सती कर रहे हैं ना, पहले निकाह पे आप घर रह गई थी, हमने कहा इस दफा आपको साथ भेज दे। पहले हमें किसी ने निकलने भी नहीं दिया, चक्कर लगा के आए। आए जी, आए आए, वापस आए। रिएक्शन नहीं हमें आके, आजा आजा सीधी कर दे। हाँ बड़े जहाज में बैठ के हम तो खुश ही हो गए, माशाल्लाह। नजरे बादशाह बचाए, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, इलाही आमीन, इलाही आमीन, आप लोगों के नसीब में करे इसको, चलाना आप लोग, इलाही आमीन, इलाही आमीन। आजा अंदर आजा,
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬੈਲੂਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਵੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਬਲੂਨ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਟੇਪੋ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਟੇਪੇ ਲਗਾ ਦਿਏ ਇਹ ਟੇਪੇ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਹੀ ਟੇਪੋ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਵਾਦ ਅਸ਼ ਭਾਈ ਆ ਜਾਏ ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है मैंने तो सिर्फ सजाई है कैसा लगा आप लोगों को फिर ये एक सरप्राइज मारा बहुत आला लाइक छोटा मोटा तो होता सो होता है तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है यार चलो बहुत खुश आखिर कालियां काले मेरे कालियां की गड्डी भी काली हां बिल्कुल ऐसे ही है तेन पाक दा देता है तोहफा मौला पंदर पाक के ना खुश रखे हमारी कल्टस हमें छुटकारा भी नहीं मिला जब वो मिलेगा तो उसके लिए मैं स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी और उस व्लॉग को मैं शुरू भी टपते हुए करूंगी ये कल्टस चली गई कसम से मैं तुम्हारे साथ टपूंगी ठीक हो गया गाड़ी से मैं मुझे गाड़ियाँ सब अच्छी लगती है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कल्टस ही नहीं अच्छी लगती हाँ मुझे नहीं पसंद कल्टस से बड़ा साथ ही है मेरा हाँ ये तो है साथ तो दिया आपका भी जवाब का भी बहुत साथ दिया कराची नंबर की गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी लाहौर नंबर की गाड़ी तीनों नंबरों की चश्मे बदूर अल्लाह पाक नजर बद सब चाहे अल्लाह पाक जिनके पास सवारियां नहीं है उनको आसान सवारियां अता करे और इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन ठीक है जी ये था आपका एक छोटा सा सरप्राइज और बड़ा आला जो कि बहुत आला मजा आया मैं इसलिए नहीं बोली मतलब मैं हैरान हूँ इसलिए ये अब एक जफी तो डाल के दिखाए ना इतना ज्यादा वक्फा अच्छा नहीं लगता हमें ऐसे ये चीज तो बोल दे बात तो सही है बात तो सही है बात तो सही है बहुत आला बहुत आला चले अल्लाह पाक आपके नसीबों में करे आपको ये आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों के एक दूसरे के साथ रहना नसीब करे खुशियां देखना नसीब करे अपने बच्चों की भी और हमारे आगे से बच्चों की भी आमीन सुम्मा आमीन खुश रहें बाद में जो फिर डाल दें मुझे खुश रहें आपको खुश रहना नसीब करे ओके बाबा ठीक है अब हम अल्लाह हाफिज मैं कहां जा रही हूँ अभी तो नहीं जा रही मैं थोड़ी देर तक जाऊंगी जाना है मैंने जाना है थोड़ी देर तक जाऊंगी नहीं जी अम्मा बाबा ये था आप लोगों का एक सरप्राइज अगेन हैप्पी निकाह एनिवर्सरी अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे आबाद रखे एक दूसरे के साथ रखे और ऐसे ही लंबी जिंदगी फरमाए ठीक है और सरप्राइज अगेन मुझे हमें एक छोटा सा मैं थोड़ी सी तरीफ सुननी चाह रही हूँ अपनी कि मैंने इतनी मैंने जो थोड़ी सी मेहनत की कसम से बहुत सजी थी मुझे है ना अभी हमने राउंड लगाया ना तो वो लोग जो आ रहे हैं हाँ। तो यूं देखने शुरू हो गए हमारे बलून भी उड़ रहे थे मैं कहा कोई नहीं पुत्र तुसी भी लाई जाओ मैंने बल्कि हंसते हुए मां से कहा मैं कह तेल लग रहा है जिवें सी दूल्हा दूल्हा ना तो साड़ी सजी गड्डी जा रही है हाँ। हम यही चाहते थे कि हम उस चीज को रेसिप्रोकेट करें जो आपने अपने निकाह पे फील हाँ और इतनी अच्छी इसने खूबसूरत सजाई है रेड रिबन के साथ सच में है ना मजा आया आई एम स्टिल सरप्राइज्ड वो फील हो ही रहा है कि आपको बात तो सही अभी नहीं निकल रहा अभी आपका फिलहाल अब देखो बेटा छोटा मोटी चीज होती है सारा कुछ होता है इस तरह माँ बाप को मैं कह रही ना ये झोली उठा के करती बोला पंदर पाक इसी तरह की फरमाओं जो है ना ये हमें दोनों को गिफ्ट किया है बहुत शुक्रिया इनका अल्लाह ताला इन्हें इसी तरीके से दुनिया में तरक्की और ऊंचे मुकाम पर लेके अपने बच्चों की ये खुशियां देखें और मैं जितना इन्होंने किया इनके बच्चे डबल ट्रिपल तुम लोगों को इतना करेंगे तुम बस मैं अगर हम लोग देखे जाना आना होता है जिन्होंने जाना है वो ऊपर से देखते भी दुआओं में भी रहते हैं तो बस ये मैं चाहती हूँ कि पीछे खुशी रहे इलाही आमीन इलाही आमीन अल्लाह पाक हर किसी को अपने माँ बाप की इसी तरह से चा करने का चा कहते हैं ना चा करने का तौफीक अता करे और माँ बाप को सर पर सलामत रखे खुश रखे आबाद रखे खैर इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह के सरप्राइजेस चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों डजंट मैटर सरप्राइजेस इस तरह के रखने चाहिए ताकि आपके माँ बाप भी आपके साथ उसी तरीके से जिंदा रहें जैसे इंटरनली इंसान जिंदा होता है सिर्फ सांसें लेना जो है वो सिर्फ इतना ही काम नहीं होता जिंदा दिल रखना भी ये काम होता है खैर इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में टेक केयर अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज
अल्लाह हाफिज़।